नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पार्थ गोलियान आप सबका स्वागत करता हूँ। मास्टरिंग इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स इन 100 डेज, हमारी ये जो सीरीज चल रही है आज इसे कंटिन्यू करते हैं। आज है डे 22, 22वां दिन है इस पर्टिकुलर सीरीज का। लाइक कर दो इस वीडियो को इसी बात के लिए, और जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना ताकि आप सबको समझ में आए कि चल क्या रहा है इस पूरे इसमें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप सबको पता चल जाए। तो आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। हाँ, ये चलिए पहले अपन समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज है इसके बारे में समझेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली क्या रहता है कि आपने कोई एक जगह पे अपना पैसा पार्क कर दिया है और वो कई सालों तक वहां पे रखा है। अब यूजुअली लॉन्ग टर्म जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी वालों का होता है वो होता है लगभग 10 सालों का। हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स रखते हैं वो लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल के आसपास का रहता है मैक्सिमम, जो लॉन्ग टर्म हम लोग रखते हैं। अब चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी। उसमें क्या करना रहता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पैसे डाले। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज मैंने खरीदा है, 3500 का उसका भाव है और आज खरीदा है मैंने। अगले 3 साल के लिए उसको खरीद के रख दिया। 3 साल बाद जब वो 10,000 का हो गया तब मैंने वो सारा सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसे बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अब बात करते हैं दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। उसका क्या मतलब है कि हम सारे जितने भी हमारे पास ऑप्शन है हम सब ऑप्शन में थोड़ा 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 अमाउंट डालेंगे। जैसे कि हमने थोड़ा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा हमने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, थोड़े की हम SIPs कर रहे हैं एंड थोड़ा हमने रियल एस्टेट में डाल दिया, थोड़े हमने इंश्योरेंस बुकिंग कर दी। इस सब चीजों को हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी सारा पैसा एक ही जगह पर डाल के नहीं रख रहे हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। इस तरीके से और भी कई सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज है। आप और मैं साथ में कनेक्ट करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो आपके आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो, या नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आप सबके सवालों के जवाब देने में। आशा करता हूँ ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक कर दो यार, आप सबका जितने भी लाइक्स रहते हैं ना इससे बहुत हेल्प हो जाती है और मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियोस बनाने का। तब तक मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।